वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल ऑफ उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज देखिए, मैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कंटिन्यू। रवि को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे और उसे 24% अंक मिले तथा वह 9 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात करें। हमारे सामने मतलब कि कोई भी एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चंस हमें परसेंटेज के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जिसमें किसी भी कैंडिडेट्स के परसेंटेज और मार्क्स दिए होते हैं, ठीक है। और उसमें हमें उसका ओवरऑल मार्क्स या तो उसका फिर कितना ऑप्टेन मार्क्स है ये निकालना होता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी ट्रिक या किसी भी मेथड की ज़रूरत नहीं। सीधे सीधे इसमें क्या करना है कि किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है। तो हमें क्या होगा कि हमारा एक टोटल मार्क्स होगा और उसका 36% जब हमें मिलेगा तो वो हमारा पासिंग मार्क होगा। यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ, उसे 24% अंक मिले और वो 9 अंकों से फेल हो गया। मतलब एक कोई भी कैंडिडेट्स है उसका जो एक मार्क्स है वो हम एज्यूम करते हैं एक्स, ठीक है, और इसका उसको 24% मिलता है और इसके बाद भी वो फेल है। मतलब उसको 9 नंबर और चाहिए, क्योंकि 9 नंबर से फेल हो रहा है, 9 नंबर उसको और चाहिए, ठीक है। और ये बराबर होगा 36% के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का 24% और यहाँ पे हो गया x का 36%। तो x का 24% और x का 36% दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, 24x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर देंगे 36x इक्वल 9। अब यहाँ देखिए दोनों का जो हमारा डिफरेंस आ जाएगा वो 12x आ जाएगा, 12x बटे 100 बराबर 9। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 9 गुणे 100 बटे 12 बराबर हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी इजीली 75। मतलब कि जो हमारा पूर्णांक होगा वो 75 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से फेल हो गया। तो ये देख के हमें समझ में आ रहा है कि 178 नंबर तो चाहिए, ठीक है, मतलब 178 नंबर तो उसे मिला, लेकिन फिर भी वो 22 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब कि 178 के बाद उसे 22 नंबर और चाहिए था, ठीक है। तो टोटल मिला के हमें पास होने के लिए कितना नंबर हो गया चाहिए, 178 प्लस 22, मतलब 200 नंबर चाहिए तब जाके कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम में पास होगा। तो इसका हमें सेम वही है, पास होने के लिए चाहिए एक्स का 40% बराबर 178 प्लस 22। तो यहाँ पे आपका हो गया कितना, 200 नंबर, और यहाँ पे हो गया 40x बटे 100। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू हमारी इजीली निकल जाएगी 500, ठीक है, 500 मार्क्स उसका पूर्णांक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 45% अंक प्राप्त हुए, मतलब 45% अंक प्राप्त हुए, उसने उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक पाए। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त हुए और वो 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। मतलब कि दो कंडीशन दिया हुआ, दो स्टूडेंट्स का, एक के स्टूडेंट्स को 45% मिलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो मार्क्स है वो 40 नंबर ज़्यादा हो जाता है और दूसरे कैंडिडेट को 28% अंक प्राप्त हुआ है और वो 28 अंकों से फेल हो गया। तो दो कंडीशन जो हमारे सामने दिया हुआ है, पहले हमें उस कंडीशन को रखना है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि एक्स का 45% उसको मिलता है, ठीक है, और उसको 40 नंबर ज़्यादा मिल गया, मतलब कि -40 बराबर, क्योंकि उसको हमारा जो टोटल पासिंग मार्क है वो 40 नंबर ज़्यादा है इसलिए हमें यहाँ पे कम करना पड़ेगा। और दूसरा है, उसको मिला है 28% अंक और वो 28 अंक उससे फेल हो गया, मतलब उसको 28 अंक और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 45x बटे 100 -40
बराबर 28x बटे 100 प्लस 28। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28x और 45x के बीच का हमें डिफरेंस निकालना होगा, बराबर 28, और ये माइनस है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस में आएगा, तो ये हमारा हो गया इधर 68, और 45 और 28 के बीच का जो डिफरेंस है वो 17x बटे 100। तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो निकल जाएगी 400। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूर्णांक। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक मिले और उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ पूर्णांक निकालना था, और अब इस क्वेश्चन में वही उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हमें उत्तीर्ण अंक निकालना है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा। इसमें देखिए, सबसे पहले जो दोनों कंडीशन है, ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टली इसको हम रख देते हैं 20x बटे 100, इसी टाइप से x का 45%, और यहाँ पे अगर हम करेंगे x का 20% तो 20x बटे 100, इसको क्या हुआ है 30 अंक ज़्यादा मिल जाता है, और दूसरे कंडीशन में 32x बटे 100 और इसको क्या है 42% अंक इसको और चाहिए, तो यहाँ माइनस रखेंगे, 32x और 20x के बीच का जो हमारा डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 22x। ठीक है, और यहाँ पे जो 30 है वो उस साइड जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 42 है, और ये जो 30 है वो उस साइड जाएगा इक्वल के उस साइड, तो माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों प्लस हो जाएगा 72। यहाँ देखिए, इसमें माइनस और प्लस का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, माइनस माइनस है तो यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ देखिए, फिर इसके बाद हमारी जो x की वैल्यू निकलेगी ये हो गया 600। अब हमें इसमें चाहिए क्या कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, 600 तो हमारा पूर्णांक आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमें इसका परसेंटेज निकालना है कि पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। तो किसी भी एक कंडीशन को हम रख सकते हैं, या तो इसको रखेंगे या तो इसको, हमारा आंसर सेम आएगा। तो देखिए, 20x मतलब कि हमें 600 का सबसे पहले निकालना है 20%, और उसमें हम जोड़ देंगे 30 को। ठीक है, तो हमारा जो 600 है, 600 का 20% निकल जाएगा 120। ठीक है, 0 0 कटा, 120 प्लस 30, तो ये हमारा हो गया 150, और हमको परसेंटेज निकालना है इनटू 100, तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा 25%। पास होने के लिए 25% चाहिए था, ठीक है, एक स्टूडेंट को 20% मिला था और दूसरे वाले को 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में और 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हुए हों तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। ठीक है, देखिए, इस टाइप का जनरली जो क्वेश्चन आता है, इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगी जो एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम लेगा आपका, और हमारा जो आंसर होगा वो क्लियरली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 34% मैथ में और 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं, दोनों मिला के 20%। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया मैथ और ये हमारा हो गया इंग्लिश। सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये जो दोनों को शो कर रहा है, ये हमारा हो गया 20%। ठीक है, ये परसेंटेज में कैलकुलेट होगा 20। अब देखिए, 34% जब मैथ में फेल होते हैं और 20% दोनों, तो 34 और 20 20 के बीच का जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो हमारा आएगा 14%। ठीक है, इसके बाद 20% दोनों में है और 42% है इंग्लिश में, तो जब हम 20 का 42 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 22%। ठीक है, मतलब सिर्फ अकेले मैथ में 14 और अकेले इंग्लिश में 22, टोटल मिला के जो है वो 20% दोनों में। ठीक है, ये हमारा बोथ को शो करता है। अब देखिए,
ये तो हमारा हो गया असफल, अब हम सफल छात्रों का कैलकुलेशन करेंगे। सफल छात्र ठीक है, 100 में से इसको माइनस करना है, 14 प्लस 20 प्लस 22 ठीक है, तो 100 माइनस, ये तीनों को प्लस करने पे हमारा आएगा 56 ठीक है, 4 2 6, 2 2 4 1 5, तो ये हमारा हो गया कितना, 44%। 44% छात्र दोनों में सफल होते हैं ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं ठीक है। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे भी असफल होने वालों का डेटा दिया हुआ था, यहाँ पे भी असफल का डेटा और यहाँ पे भी असफल का डेटा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे 70% बोलने वालों का डेटा दिया हुआ है, 65% बोलने वालों का और यहाँ 27% नहीं बोलने वालों का दिया है ठीक है। तीनों डाटा हमें सेम चाहिए, जब यहाँ पे बोथ में दोनों नहीं का कंडीशन दिया है, तो हमको इसमें भी निगेटिव का परसेंटेज चाहिए ठीक है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको यहाँ निकालना होगा इंग्लिश नहीं बोलने वाले, अगर 70% छात्र इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं ठीक है, मतलब 70% छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं तो कितने नहीं बोलेंगे, तो हमारा निकल जाएगा यहाँ पे 30% ठीक है। वैसे ही हिंदी नहीं बोलने वाले, यहाँ देखिए 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो नहीं बोलने वालों की संख्या आ जाएगी 35% ठीक है। और ये तो हमारा नहीं, दोनों में हमारा कंडीशन दिया हुआ है 27%, जैसे यहाँ पे हम डिफरेंस निकाले थे वैसे यहाँ पे भी हमें डिफरेंस निकालना है इंग्लिश हिंदी, और यहाँ हो जाएगा हमारा बोथ ठीक है, बोथ में है हमारा 27%। देखिए जब यहाँ पे 30% इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं और यहाँ पे 27% नहीं बोल सकते, तो डिफरेंस हमारा आएगा 3% का, यहाँ पे 35% छात्र हिंदी नहीं बोल सकते हैं और यहाँ पे 27% दोनों नहीं बोल सकते, तो डिफरेंस जो हमारा यहाँ पे होगा 35 और 27 का, ये डिफरेंस हो जाएगा 8 का ठीक है। तो 100 माइनस 3 प्लस 27 प्लस 8%, तो ये हमारा हो जाएगा 38% बराबर 62% जो छात्र हैं वो दोनों बोल सकते हैं ठीक है। यहाँ पे नहीं बोलने वालों से ये हम कैलकुलेशन किए हैं बोलने वाले छात्रों का, जैसे यहाँ पे हम असफल से सफल का कैलकुलेशन किए थे वैसे ही भाषाएं नहीं बोलने वाले में कैलकुलेशन हमारा जो निकलेगा वो बोलने वालों का निकलेगा, कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसी तरह हमारा ये वीडियो देखते रहें, इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगी, तो प्लीज़ हमारा ये वीडियो ऐसे ही देखते रहें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने देखने को मिलेंगे इसमें।